क्या आपको पता है वेलक्रो का आविष्कार कैसे हुआ था? आइए देखते हैं। वेलक्रो का आइडिया इसके इन्वेंटर को हाइकिंग के दौरान आया था। स्विस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉर्ज डे मेस्टर 1941 में अपने डॉग के साथ हाइकिंग करने गए थे। जब वो घर लौटे तो उनके बैग और डॉग में बर्ड सीड्स चिपके हुए थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने बर्ड सीड्स को माइक्रोस्कोप से देखा। इससे उन्हें यह पता लगा कि बर्ड सीड्स में छोटे छोटे हुक होते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी सरफेस पे और बालों पर चिपक जाते हैं। एंड इसी से ही उन्हें हुक एंड लूप फास्टनिंग सिस्टम का आइडिया आया। 10 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने वेलक्रो कंपनी की शुरुआत करी। और वेल, अब तो आप जानते ही हैं कि वेलक्रो क्या क्या कारनामे कर सकता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक।